आज हम लोग हीट का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री क्या होता है? अच्छा, जो मैंने बोला वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। हीट के ये पांच चैप्टर है, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग क्या, कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब कई स्टूडेंट्स को तो यही क्लियर नहीं होता कि सर हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, हीट और टेम्परेचर कैसे डिफरेंट है। हमको तो पता है हीट टेम्परेचर एक ही होता है, हीट देते हैं टेम्परेचर होता आता है ना। तो सबसे पहले तो हीट क्या है? हीट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं लिखना चाहिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है किसी भी सिस्टम के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लगातार ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या कुछ एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थोड़ा बहुत जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से भी लिखा जाता है, बट ठीक है, मोस्टली काइनेटिक एनर्जी होता है खासतौर से गैसेज में, इसलिए ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक भी हो सकता है और इंटरेक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। अगर हमने कोई सैंपल लिया, हम अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया बड़ा सा, उसके मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इस सब वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी या जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ये हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी कोई और नई एनर्जी है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई और नई एनर्जी हीट नहीं है, हीट भी बस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिलाकर ही बनता है, बस वो मॉलिक्यूल्स की है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट पूरा मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस हीट की ऐसा यूनिट क्या होगी, है तो एनर्जी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। क्या यूनिट होगी, जूल। तो कॉमन यूनिट क्या होगी, कॉमन यूनिट होती है कैलोरी। देखिए जूल भी उतना ही कॉमनली यूज होता है जैसे कैलोरी यूज होता है। ठीक है, अब कैलोरी में भी ना मैंने यहां पे गड़बड़ लिख दिया है, ये स्मॉल सी वाला कैलोरी है। आप कई बार देखोगे कभी कैलोरी को ऐसे लिखा जाएगा, कभी कैलोरी को ऐसे लिखा जाएगा, है ना। आपसे कहा जाता है कि हम दिन भर में 2000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं एनर्जी की, है ना। अब सोचिए जरा, वन कैलोरी जो होता है ना बेटा, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, या फिर 4.2 जूल्स होता है, मतलब जब आपको जैसा कैलकुलेशन आसान पड़े वैसा आप यूज कर सकते हो। तो वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल्स। ठीक है, अब सोचिए आपसे कहा जाता है कि दिन भर में आपको 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी है, 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो 2000 कैलोरीज का मतलब क्या होगा, 2000 इंटू 4.2, 8400 जूल्स, है ना। नाउ इमेजिन कि एक 84 केजी का आदमी है, ठीक है, 84 केजी का आदमी है, आपको क्या लगता है ये इतनी एनर्जी लेकर कितना हाइट तक चढ़ सकता है, कितनी सीढ़ियां चढ़ सकता है। मान लेते हैं 100% एफिशिएंसी है, जितना उसने खाया वो पूरी की पूरी एनर्जी उसने सिर्फ हाइट चढ़ने में लगा दी, उसके हार्ट पंप करने में जो एनर्जी गई वो सब बेकार है, वो सब फ्री में आ रही है। ठीक है, समझ में आई बात, उसका ब्लड पंप करने के लिए जो हार्ट ने एनर्जी कंज्यूम करी वो फ्री में आ रही है, उसका ब्रेन जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है फ्री में आ रहा है, सांस लेने में जो एनर्जी लग रही है फ्री में आ रही है, सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उसकी हाइट बढ़ाने में लग गई। तो देखते हैं इस 8400 कैलोरीज का जूल का यूज करके ये कितनी हाइट तक जा पाता है। हम क्या लिखेंगे, 8400 इज इक्वल टू mgh, 84 इंटू 10 इंटू h, दिस इंप्लाइज हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट h कितना हो गया, 10 मीटर।
मतलब कि 3 फ्लोर ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब एक आदमी दिन भर में जितना खाना खाता है वो सारे खाने का इस्तेमाल अगर वो सीढ़ी चढ़ने में लगा दे, सारी एनर्जी का यूज करके वो सीढ़ी चढ़े, तो दिन भर में सिर्फ 3 फ्लोर चढ़ सकता है, दिन भर में सिर्फ 3 फ्लोर चढ़ सकता है। लेकिन आपने तो देखा होगा आप दिन में पता नहीं कितने फ्लोर चढ़ जाते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पता नहीं कितनी बार कर जाते हो, राइट, है ना। आप ऊपर चढ़े एक फ्लोर वापस नीचे जाते हो, क्या उस एनर्जी को वापस इकट्ठा कर लेते हो, है नहीं ना। तो कैसे आप चढ़ जाते हो? तो जवाब यह है कि यहां मैंने लिखा ही गलत है, 2000 कैलोरी ऐसे नहीं होता, 2000 कैलोरी होता है। आपको कितना कंज्यूम करना होता है? 2000 कैपिटल कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है? 2000 किलो कैलोरीज। समझ में आई बात? आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज में कि सर 2000 कैलोरी में कैसे जीवन चलेगा। समझ में आ गया? तो ये अगर कैपिटल सी ए लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? किलो कैलोरी होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ओके, तो अब बात आती है जूल्स कांस्टेंट की। बेसिकली जूल ने क्या किया था? जूल ने कन्वर्जन किया था कैलोरी और नॉर्मल मैकेनिकल एनर्जी के बीच में, मतलब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करके दिखाया था। तो जो जूल्स कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल जे। ध्यान दे, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। कैपिटल जे से जूल्स कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल जे से जूल भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चक्कर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। लिखा हुआ है 4000 कैपिटल जे, मतलब 4000 जूल्स एनर्जी है, ठीक है। पर कभी कभार हम लोग एक्सप्रेशन में दिस इंटू जे इंटू दिस करते हैं, उसमें कैपिटल जे क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो जूल्स कांस्टेंट जे क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 4.2 कैलोरीज पर जूल, सॉरी उल्टा बोल गया, 4.2 जूल्स पर कैलोरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी जे का मतलब जूल हो सकता है, कभी जे का मतलब ये हो सकता है। सब कुछ आते हुए क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं आ रहा होगा कई बार इन सब वजहों से कि आपको पता नहीं को जो क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा हुआ उसका मतलब क्या, ठीक है। ओके, तो जूल तो हम सबको पता है, जूल तो हम सबको पता है क्या होता है जूल। इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेज एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज कॉल्ड 1 जूल। ये आपको जूल की डेफिनेशन पता है। पर कैलरी क्या होती है? कैलरी को हमने डिफाइन कैसे किया? तो देखिए, कैलरी का यूज कर रहे थे हम लोग हीट वगैरह को मेजर करने के लिए। कैलरी का यूज किसके लिए कर रहे थे? हीट के लिए। अब सोचिए जरा, कैलरी हमने कैसे डिफाइन किया? आप बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है जिसको आप बार बार गर्म करते हो, ठंडा करते हो? पानी, है ना। तो कैलरी की डेफिनेशन में पानी के अराउंड है, वाटर के अराउंड है। कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने कैलरी? 1 कैलरी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वॉटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, वैसे सुनने में लग रहा है बढ़िया है सर, तो अच्छा डिफिनेशन हो गया, एकदम अच्छे से आ गया, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। वैसे तो अगर आप देखो कि पानी को 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में जितना एनर्जी लगता है उतना ही 2 से 3 में लगता है, उतना ही 10 से 11 में लगता है, उतना ही 20 से 25 में लगता है, उतना ही 70 से 71 में लगता है। पर रफली थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। हमें पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है 1 डिग्री सेल्सियस से जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग चाहिए होता है, थोड़ा बहुत, मतलब 1% का फर्क आ सकता है। तो हमारे कैलकुलेशंस वगैरह के लिए सब बढ़िया, उसमें कोई खास नुकसान या कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम डिफाइन कर रहे हैं किसी यूनिट को तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एक बंदा बोलेगा 1 डिग्री सेल्सियस मैंने तो 0 से 1 लिया, दूसरा बोलेगा मैंने 70 से 71 लिया, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, है ना। तो क्या करें, हमें इस मेंशन करना पड़ेगा, जब हम यूनिट को डिफाइन करें तो हमारा डिफिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक। तो जवाब क्या है? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस।
समझ में आई बात, 14.5 15.5 डिग्री सेल्सियस ले जाने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस लेके जाने में, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। एकदम बेसिक चीजें हैं ये, फटाफट कॉपी करते जाओ आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। हीट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, अब देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट अ फैक्टर या अ प्रॉपर्टी दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, ये वो चीज है जो डिसाइड करती है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। समझ में आई बात, हीट किधर से किधर फ्लो करेगा इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर। हमेशा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, हमेशा ठंडे की तरफ हीट जाता है, जिसकी वजह से गर्म चीज ठंडी होती है, ठंडी चीज गर्म होती है। ठीक है, ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इट डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर। इन अ वे आप लोगों को जितना ज्ञान है क्लास 10 तक, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन अ वे दिस टेम्परेचर इज लाइक पोटेंशियल, जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को डिसाइड करती है ना। समझ में आई बात, तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज, फिर से काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है बट एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंडिकेटर है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं होता, एग्जैक्टली उसके प्रोपोर्शनल भी नहीं होता। ठीक है, बट ये उसको एक तरीके से इंडिकेट करता है कि हाँ भैया एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का। अब दो ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे तो उसमें ये कंपेरिजन उतना अच्छा काम नहीं करता, बट इसलिए बोल रहा हूं इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, खासतौर से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है, बट ठीक, बट जैसा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इससे, अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसकी यूनिट्स क्या होती है, ऐसा यूनिट तो है केल्विन, आप समझते हो केल्विन कितना होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.18 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसआई यूनिट। कॉमन यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। कॉमन यूनिट्स क्या है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। एक डिग्री सेल्सियस कैसे डिफाइन किया, अगेन पानी के ऊपर इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं बार बार, तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन 100। मतलब जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो जाता है माइनस जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज हो जाता है, उस पूरे रेंज को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस एक पार्ट को क्या बोला, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन क्या होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन होता है। तो अगर किसी चीज का टेम्परेचर एक्स डिग्री सेल्सियस है तो एक्स डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.18 प्लस एक्स, डिग्री केल्विन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सिंपली केल्विन लिखते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कैसे, मान लेते हैं कोई चीज एक्स डिग्री सेल्सियस से वाई डिग्री सेल्सियस तक गया। ठीक है, तो ऐसे में चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, y माइनस एक्स डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो अगेन y माइनस एक्स केल्विन भी आएगा। तो अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में फर्क है, पर अगर आप सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर में इंटरेस्टेड हो कि टेम्परेचर कितना बढ़ा या टेम्परेचर कितना घटा या टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, इसमें आप डिग्री सेल्सियस लो चाहे केल्विन लो, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। ओके, अगला क्या है? फारेनहाइट। अगला क्या है? फारेनहाइट। तो आपका जो फारेनहाइट है उसको आप कैसे समझ सकते हो, एक्स डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होता है? तो एक्स डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1.8x प्लस 32 डिग्री फारेनहाइट। समझ में आई बात? अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, जो भी नंबर है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करिए या 9/5 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसमें 32 ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो ऐसे में 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फारेनहाइट। और 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट, है ना? कोई दिक्कत है? अगर आपको फारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पहले इसमें 32 सब्ट्रैक्ट करिए फिर 1.8 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 392 माइनस 32 बाय 1.8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? समझ में आई बात? इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? कॉपी करिए एक बार। मैं मनोज है कि तो आई गेस आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। एग्जैक्टली तो समझना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, बट अभी के लिए हल्का आइडिया लग गया है ना। तो अगला है रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने जब हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हीट देने से किसी भी चीज का टेम्परेचर राइज करता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं क्यू हीट देता हूं उससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है बाय टी, नहीं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि जो हीट होगा वो चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगा, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल होगा, दिस क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो Q इज इक्वल टू एस डेल्टा टी आ जाएगा, कैपिटल S है ये, कैपिटल S डेल्टा टी आ जाएगा। इस कैपिटल S को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, हीट, ये हीट कैपेसिटी क्या है, Q अपॉन डेल्टा टी, हीट अपॉन टेम्परेचर, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन, समझ रहे हो ना? डिग्री फारेनहाइट में भी आ सकते हो, बट समझ गए ना बात को, बेसिकली हीट बाय टेम्परेचर। वहीं अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं जिसका मास m है, अब सोचिए हीट कैपेसिटी किसकी चीज पे डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन पहला आप बताइए किसकी चीज पे डिपेंड करेगा। पहला तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा ही होगी, ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो क्या हो गया, साइज या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज नहीं बोल सकते क्योंकि अंदर से खोखला हुआ तो जल्दी गर्म हो जाएगा ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल पे, किस मटेरियल का बना हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करेगा, है ना? पानी देर से गर्म होता है, बालू या रेत जल्दी गर्म हो जाता है ना, सैंड जल्दी गर्म होता है, राइट? तो वही वाली बात है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। फिर हम लोगों ने बोला यार मास तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल का बना हुआ है, एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं q, ये हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है बाय डेल्टा टी। तो
सबसे पहली चीज तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो हीट सप्लाइड है इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट लगेगा। तो इन दोनों को जोड़ के बोल सकता हूं क्यू इज इक्वल टू एम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, यहां पे स्मॉल एस लिख रहा हूं, और एक डेल्टा टी। कैपिटल एस क्या था? हीट कैपेसिटी थी। स्मॉल एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक मास से रिलेटेड होता है और एक मोल से रिलेटेड होता है। हमको नॉर्मली जब कैलोरीमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मोल से कोई खास मतलब नहीं होगा, पर फिर भी एक एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोल से रिलेटेड होती है। ये आप क्या बोल सकते हैं? मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है? कई बार आप ये देखने को, आपको ये देखने को मिलेगा, ये कैसे निकालोगे? तो देखो, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यहां यहां मास से रिलेट किया ना। अब सोचिए, मास तो मोल से भी डिपेंड करता है, मतलब ऐसे भी लिख सकता ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू एन डेल्टा टी और साथ में कुछ एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसको मैंने बोल दिया लेट से स्मॉल सी, है ना? क्या बोल दिया मैंने इसको? स्मॉल सी। यहां सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, वैसे तो आगे कैपेसिटी भी लिखना चाहिए बट बहुत है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पे भी स्पेसिफिक हीट, वैसे तो इसका पूरा नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, पर स्पेसिफिक हीट बोलने से भी यही मीनिंग निकलता है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब सोचिए, अगर मेरे पास इतना ही ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं मास के हिसाब से कैलकुलेट करूं हीट, चाहे मोल्स के हिसाब से कैलकुलेट करूं हीट, हीट तो सेम आएगा ना। फिर जिसको रियल लाइफ में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसको इससे थोड़ा ना मतलब है कि आपने कैलकुलेशन मोल से करी है कि मास से करी है, कितना हीट लगेगा उसको इससे थोड़ा मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन किस पर है ना। तो आपका तो हीट दोनों के इसमें सेम लगेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी? है ना? तो डेल्टा टी तो मर गए, क्या बचा? सी। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू एम बाय एन टाइम्स एस, और एम बाय एन क्या है? मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज मोलर मास। जहां एम क्या है? मोलर मास। समझ में आई बात? इसका यूज अभी शायद ना पड़े, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो आप यूज कर भी पाओ, पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कैसे हम इसका यूज करके हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। हमारा अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैसे निकलेगा? देखो, हमें मालूम है कि 1 कैलोरी raises temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius, है ना? तो अगर मैं यहां पे Q is equal to ms delta T लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 calorie is equal to 1 gram into s into 1 degree Celsius, है ना? This implies
स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केजी ग्राम से काम करना है तो किलो कैलोरी पर केजी, और अगर नॉर्मल काम करना है तो कैलोरी पर ग्राम। कोई फर्क है इसमें? ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी अगला एग्जांपल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg वाटर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको फॉर्मुला याद कराया जा रहा है। क्या है? हमें मालूम है क्यू कितना होता है, एम एस डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये केजी कट गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड कट गया, क्या बचा 2 × 1 × 50, दैट इज 100 किलो कैलोरी आंसर, डन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। अगले एग्जाम्पल में थोड़ा जगह देना था, वो दिया नहीं है, पर कोई बात नहीं, अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या है, ध्यान दीजिएगा, अ कॉपर ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ इतना मीटर। एक कॉपर ब्लॉक है जिसको हमने 8000 मीटर से ड्रॉप कर दिया। इफ 50% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट ऑन कोलिजन विथ ग्राउंड, क्या हुआ? एक सेकेंड। अ कॉपर ब्लॉक इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ इतना मीटर, इफ 50% ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट ऑन कोलिजन विथ ग्राउंड, फाइंड द राइज इन इट्स टेम्परेचर। बस बेसिकली क्या बोल रहा है, इतनी हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया गया, 8400 मीटर से ड्रॉप कर दिया गया, और ये जब नीचे आके टकराता है तो क्या होता है, जो भी इसके पास एनर्जी थी उसका 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर इसी को मिल जाती है। आपसे पूछा गया है तो ऐसे में इस कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से राइज करेगा, गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.5 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेटा मनगढ़ंत है, ठीक है, एग्जैक्टली ये नंबर नहीं आएगा, बट मैंने लिख दिया, आप उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है, अ कॉपर ब्लॉक इज ड्रॉप्ड, बेसिकली क्या होगा, जो भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका 50% हीट है ना। तो अगर मैं लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज एम जी एच का आधा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का आधा ही बना ना हीट, तो इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम ने एम को मारा, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया जी एच बाय 2s, दैट्स इट, जी एच बाय 2s, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, जी कितना 10, हाइट कितना 8400 अपॉन 2 टाइम्स, स्पेसिफिक हीट कितना 0.5 किलो कैलोरी है यार। क्या करेंगे, पहले तो इसको किलो घटाते हैं, 500 कैलोरी, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से और मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ है ना, करेंगे। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 जीरो यहां कैंसिल हो गए, ये 10 हो गया, 10 में ये, अच्छा ये 10, 2 और 5 इससे कैंसिल हो गए, बचा क्या 84/4.2, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, मतलब किसी कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, उसमें भी सिर्फ आधी एनर्जी यूज हुई है। कितनी एनर्जी यूज हुई, सिर्फ आधी, सॉरी आधी एनर्जी यूज हुई है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, पूरी यूज होती तो कितना बढ़ता, 40 डिग्री सेल्सियस,
सोचिए। लेकिन यहां पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.5 है। अगर पानी के बारे में बात करते तो पूरी एनर्जी यूज करने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ता। सोच के देखो, पानी का स्पेसिफिक हीट डबल होता है ना, पानी का स्पेसिफिक हीट डबल होता तो हीट एनर्जी आप डबल भी कर देते तो टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ता। तो मतलब सोचिए, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें इतनी हीट एनर्जी चाहिए, इतनी हीट एनर्जी चाहिए, इतनी हीट एनर्जी चाहिए जितने में पानी 8400 मीटर मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ जाए। और हम पानी को रोज बॉइल करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से पानी लेते हैं, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, 80 डिग्री टेम्परेचर उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद बॉइल करते हैं तो अलग है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके तो गए, उतने में ही हम उसको चार बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा चुके, इतनी एनर्जी दे चुके। और कितनी देर में करते हैं हम ये काम, 10 मिनट में है ना, 10 मिनट में चार बार माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता, इतनी एनर्जी मिल जाती है उसको। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी जो आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, वो हीट एनर्जी के मुकाबले काफी कम होती है, काफी कम होती है। अब सोचो, जब आप बीमार पड़ते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया 97.8 से, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, ऑलमोस्ट 2 डिग्री थोड़ा कम बढ़ा। तो मतलब आपको एक बार बुखार आया, उतने में आपके पूरा बॉडी तो ऑलमोस्ट पानी से बना ना, एक बार अगर आपको बुखार आएगा तो उतने में आपका सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में ही इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी कि आप 1/10 माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हो। ठीक है, अगर दिन में चार बार बुखार आके चला गया तो आधा माउंट एवरेस्ट आप दिन भर में चढ़ गए। समझ में आई बात, इतना ज्यादा एनर्जी होता है किसमें, इतना ज्यादा एनर्जी होता है थर्मल एनर्जी इन कंपेरिजन टू मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए तो होता है भैया, अगर बुखार आ गया है उसमें आप जिस रेट से कोई आदमी बीमार पड़ने पर जिस रेट से वेट लूज करता है, कितनों जिम कर ले उस रेट से कोई वेट लूज नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां बोले अरे कोई घर में शादी होने वाली भैया की, बीमार पड़ जाते हैं पतले हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कमजोरी जो भी है ध्यान दीजिए, कॉपी कर चुके इसको। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा कैलोरी मीटर, ध्यान दीजिएगा। तो कैलोरी मीटर क्या होता है बेटा, कैलोरी मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टडी रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैलोरी मीटर है क्या, एक डब्बा है जिसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है और एक चम्मच लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ये टूटा हुआ नहीं है, तोड़ के दिखाया जा रहा है कि अंदर क्या है। ठीक है, समझ में आई बात, एक डब्बा है जिसके अंदर एक थर्मोमीटर है और एक चम्मच है, स्टीरर लिखा ना, है ना। अब देखो यहां देखिए जरा, ये जो डब्बा है ये किसका बना है, ये लकड़ी का बना है, इसके ऊपर रुई लगी है, फिर एक और लकड़ी लगाई गई है। मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि इसके थ्रू कोई हीट का कंडक्शन ना हो, हीट का एक्सचेंज इसके और सराउंडिंग के बीच में ना हो, बस एक अच्छे से थर्मली इंसुलेटेड डब्बा विद अ चम्मच एंड अ थर्मोमीटर इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इसमें, चलो। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैलोरीमीटर है। अब इसमें क्या किया, इसने लकड़ी और रुई यूज नहीं करी, क्या किया, स्टायरोफोम कप्स यूज कर लिए। आप भी कर सकते हो, घर में बना सकते हो, ऐसे आप जाकर वो जो थर्मोकोल वाले पाते ना, एक के अंदर एक डालिए, उसको ढक्कन लगा दीजिए, उसके ऊपर से अच्छा मोटा वाला, अंदर थर्मोमीटर डाल दीजिए, चम्मच नहीं डालो हिलाने के लिए कोई बात नहीं, हाथ से शेक कर लेना, हो गया आपका कैलोरीमीटर, खुद से बना सकते हो आप कैलोरीमीटर। ठीक है, चलो। अब कैलोरीमीटर में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कैलोरीमीटर में, दो चीजों को मिक्स करते हैं,
दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मेजर करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों का फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हैं, और उससे हम लोग हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। कई बार हम लोग इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट डालने का भी सिस्टम बना देते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग अंदर हीट सप्लाई करते हैं, उससे देखते हैं कि हीट सप्लाई करने पे टेम्परेचर कितना बढ़ा। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग कैलोरीमीटर के साथ कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कैलोरीमीटर के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कैलोरीमीटर का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, या चेंज होगा ना, बढ़ेगा नहीं, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें भी हीट कंज्यूम होगी। मैंने जो भी हीट सप्लाई करी है बाहर से मान लेते हैं, उस हीट का एक पोर्शन कैलोरीमीटर भी लेके जाएगा, तो मुझे पता होना चाहिए कैलोरीमीटर कितना हीट लेके गया। ये बताने के लिए हमारे पास कैलोरीमीटर पे दो में से एक चीज लिखी रहती है, क्या? इधर हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट इज मेंशनड एट द बॉटम। इसके नीचे या साइड में कहीं पे भी हम लिख देते हैं भैया कि इसका खुद का हीट कैपेसिटी कितना है, या फिर वाटर इक्विवेलेंट कितना है। वाटर इक्विवेलेंट अभी तो पढ़ाया नहीं क्या होता है, पर वाटर इक्विवेलेंट कितना है ये भी हम लोग लिख देते हैं। वाटर इक्विवेलेंट अगला ही टॉपिक है। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है ये। अमाउंट ऑफ वाटर दैट कंज्यूम्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एज ऑब्जेक्ट, उतना पानी जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट एज ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर कुछ पानी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, इसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी बढ़ाया, इसको गर्म करने के लिए मुझे हीट सप्लाई करना पड़ा क्यू, तो अगर इसको भी गर्म करने के लिए मुझे हीट सप्लाई करना पड़ा क्यू, तो इस केस में इसका मास क्या कहलाएगा? अगर इसका मास एम है तो इसका वाटर इक्विवेलेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, वो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम के बराबर। बेसिकली इट इज जस्ट एन ऑलरेडेड मेथड टू इंडिकेट कि आपका कैलोरीमीटर कितनी हीट कंज्यूम करेगा। अगर आपको ये डब्ल्यू पता है तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस डेल्टा टी। समझ में आई बात, इतना हीट आपका ये ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है, या इस केस में कैलोरीमीटर कंज्यूम करेगा। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि इन एन आइसोलेटेड मिक्सचर, अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड मिक्सचर है, मतलब सराउंडिंग में से उसका हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उस मिक्सचर में हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ही तो एक ने जितना हीट लूज किया दूसरे ने उतना गेन किया, पर अगर 75 ऑब्जेक्ट है तो एक ने जितना हीट गेन किया या एक ने जितना हीट लूज किया बाकी के 74 ने मिलाकर उतना ही हीट गेन किया। समझ में आई बात, या इसी को बोलने का अलग दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल हीट गेन्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू जीरो, हीट लॉस इज नेगेटिव ऑफ हीट गेन्ड, है ना? तो टोटल हीट गेन्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू जीरो, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगे तो वो ये यूज कर सकता है, बट आई विल सजेस्ट इसमें क्या है, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, पर बाद में सिली मिस्टेक्स नहीं होती है। ठीक है, सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट अपनी इक्वेशन लिखो सॉल्व करो।
तो ये क्या कहता है, मान लेते हैं ये कैलोरीमीटर है। अब कैलोरीमीटर हर बार थोड़ा ना वैसा डायग्राम बनाऊंगा, डब्बा ढक्कन चम्मच थोड़ा बनाऊंगा। क्या करें, ये अपना कैलोरीमीटर है, मान लेते हैं इस कैलोरीमीटर में मैंने दो चीजें डाल दी, इसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है, टेम्परेचर t1 है, इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है, टेम्परेचर t2 है। दो ऑब्जेक्ट्स को मान लेते, थोड़ा सा तेल डाले, थोड़ा सा पानी डाल दिया, आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, या चलो तेल और पानी मिक्स नहीं होते, दारू और पानी डाल दो, ठीक है। अब क्या गया, हमने किया तो क्या हुआ, यहां पर जो भी मिक्सचर बना उसका फाइनल टेम्परेचर देखा हमने कि टी आता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने क्या देखा, हमें ये टी निकालना है, टी कितना आएगा, या टी ऑब्जर्व करके S1 या S2 कुछ निकालना होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, हम बोलेंगे हीट गेन्ड बाय दिस प्लस हीट गेन्ड बाय दिस। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए हीट गेन्ड बोल रहा हूं, ऑल्दो मुझे पता है एक ने हीट लूज की होगी। अगर आप हीट गेन्ड बाय वन एंड हीट लॉस्ट बाय अनदर कर रहे होगे, तो आपको मान लेते ऐसे लिखता, आप जिस तरीके से पहली इक्वेशन लिखते हैं ना, वो लिख के दिखाता हूं। हीट गेन्ड बाय वन, इसने मान लेते हैं हीट गेन किया m1 s1 t-t1 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अनदर, इसने हीट लूज किया मतलब इसका टेम्परेचर घटा होगा ना, तो m2 s2 t2-t ऐसे लिखोगे। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कब t-t1 लिखना, कब t2-t लिखना है ना? थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, इस वजह से सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। दो ऑब्जेक्ट में फिर भी आसानी से हो जाता है, 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये ठीक है बट हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे इसने कितना हीट गेन किया, m1 s1 t-t1, इसने कितना हीट गेन किया, प्लस m2 s2 t-t2 इक्वल्स टू जीरो। अब आप बोले सर एग्जाम में समझ नहीं आ रहा था कि t-t1 लिखना है कि t1-t लिखना है, कोई बात नहीं, आप सब में सेम लिख दो m1, अगर इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ, तो क्या आएगा, m1 s1 t1-t प्लस m2 s2 t2-t इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें क्या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर टी भी निकाल सकते हो क्या, m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 बाय m1 s1 प्लस m2, ये आसानी से सॉल्व हो गया ना इक्वेशन, उसको सॉल्व करने ज्यादा टाइम लगता है आपको, है ना, समझ में आई बात। जो भी है मतलब टाइम क्या लगता है, 1 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा टाइम लगता है लेकिन लगता, या ये आपका इस तरीके से टेम्परेचर आप तुरंत निकालता है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है ये, देखो ये एक स्पेसिफिक केस है, ये जो मैंने टेम्परेचर लिखा ना, ये एक स्पेसिफिक केस है, मैं इस पे कोई डब्बा नहीं बना रहा हूं। प्रिंसिपल क्या है, हीट गेन्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू जीरो, या हीट गेन्ड बाय वन इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अदर्स, ठीक है, कॉपी कर ले फटाफट। तो अगला है एग्जाम्पल, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ही करेंगे इस पे कुछ देर तक। तो 2 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू 3 kg वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, लेट से फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू टी, मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी है, तो हीट गेन्ड बाय दिस प्लस हीट गेन्ड बाय दिस इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाइज, अच्छा m1 s1 t-t1 ये हीट गेन्ड बाय वन हो गया, प्लस m2 s2 t-t2 इक्वल्स टू जीरो, है ना। दिस इंप्लाइज m1 कितना है, 2, पानी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख दो t-t1, तो T-20 डिग्री सेल्सियस प्लस m2 कितना है, 3 kg, s2 को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख दो, इंटू T-40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 5T इक्वल्स टू, ये 40 प्लस 120 इज 160 डिग्री, सॉरी 160, चलो 160 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। दिस इंप्लाइज टेम्परेचर टी इज 32 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए,
अपने आप ही हो गया ना, हीट गेन्ड बाय अदर इज M2S2 32 - 40, निगेटिव हो गया ना, मतलब इसने हीट लूज किया। आपको तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स अपना काम कर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना है। हो गया, क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस दो की जगह तीन है। क्या लिखेंगे, 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30 प्लस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 50 प्लस 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 70 इक्वल्स टू 0। यही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कॉमन आके कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज 2t प्लस टी प्लस 2t है, अच्छा 5t हो गया, 5t इक्वल्स टू 60 प्लस 50 110 प्लस 140 250, दिस इंप्लाइज टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है इसमें? आसान ही है ना, अगला ट्राई करेंगे फिर। हो गया, देखो क्या कह रहा है, यहां पर एक पार्टी कैलोरीमीटर भी आ गया क्योंकि उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया आपको 100 ग्राम, है ना। तो क्या होगा, इनिशियली क्या है ध्यान दीजिएगा, इनिशियली 2.9 केजी वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस है प्लस 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस है प्लस 5 केजी वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। देखो इन दोनों को मिला के क्या मैं 3 केजी वाटर कर सकता हूं, है ना, ये वाटर इक्विवेलेंट वाटर कैसा ही ना। तो क्या हो गया, 3 केजी वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 केजी वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आप ऐसा नहीं करो तब भी काम हो जाएगा, इसको बस 0.1 कर दो। मैं इस तरीके से कैलकुलेशन बचा रहा हूं, तीन वाला केस था ना पिछला वाला, वैसे तीन वाला केस लगा दीजिए, है ना, वो तो कर ही सकते हो, बस उसमें एक केस क्या हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर या फिर 0.1 केजी वाटर का। तो हमने क्या बोला, दिस मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर होता है टी, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो कैंसिल हो गया, 3t 5t 8t इक्वल्स टू 60 प्लस 300 360, दिस इंप्लाइज टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस आंसर। समझ में आई बात, 15-25 समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का? आप इसको बेटा ध्यान दीजिए, ये करना कभी कभार रिस्की भी हो जाता है जो मैंने अभी किया है। आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, 2.9 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 20 प्लस 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 20 प्लस 5 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 60 इक्वल टू 0, ये करते ज्यादा अच्छा रहता। तो ये कोई दिक्कत है इसमें? रिस्की इसलिए क्योंकि जब वाटर और आइस में कन्वर्जन होगा तो कैलोरीमीटर थोड़ा फेस चेंज करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो अगला टॉपिक आ गया अपना फेज चेंज, मतलब स्टेट चेंज करता है। हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है वो तीन फेज में रह सकता है, क्या क्या, सॉलिड लिक्विड और गैस, और ये फेज चेंज भी करता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को
फ्रीजिंग, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। एवेपोरेशन नहीं होता है, एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एवेपोरेशन और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है ध्यान दीजिएगा, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, स्लो होता है। पानी को अगर मैं यहां इस कमरे में भी छोड़ दूं तो धीरे धीरे पानी एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। पर वेपराइजेशन रिग्रेस प्रोसेस है, मतलब रिग्रेस नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा फास्ट प्रोसेस है और एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, समझ में आई बात। इसके अलावा भी प्रोसेसेस होते हैं, क्या कुछ चीजें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सब्लिमेशन, और कुछ चीजें डायरेक्टली गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट होंगे, जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगी, सो क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, समझ में आई बात। ये जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग है ये सेम टेम्परेचर पे होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बॉइलिंग और कंडेंसेशन सेम टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हम मोस्टली इन्हीं चार प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, ये कभी कभार यूज हो सकते हैं, मोस्टली इन चार में ही रहेंगे। अब ये जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये देखना है। तो पहला है बॉइलिंग पॉइंट, पहला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए यह समझना जरूरी है कि बॉइलिंग कब होती है। अगर आप किसी भी कंटेनर में एक लिक्विड रख दोगे तो इस लिक्विड के ऊपर थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर बनेगा ही बनेगा, है ना, समझ में आई बात। थोड़ा बहुत लिक्विड लगातार वेपर में कन्वर्ट हो ही रहा होगा, वो वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो ही रहे होंगे, और अगर विंड चलेगी तो वो वेपर्स को लेकर चले जाएंगे, ऊपर से थोड़े वेपर्स को लेकर चले जाएंगे, इसलिए और वेपर्स बनते जाएंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, है ना, समझ में आई बात। लेकिन हाँ, तो क्या हो रहा है, ये जो वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, इसके बाद अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो वेपर्स यहां रुकेंगे नहीं, ये भागते जाएंगे क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं, और उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे जो हो रहा होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन या फिर वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वो क्या होगा, यहां क्या लिखा है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो पहला फैक्टर है एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो
एज पीएटीएम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, और अगर पीएटीएम डिक्रीज कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। आप सोचिए जरा, कभी घूमने गए हो पहाड़ वहाड़ पे? नहीं गए हो, कोई बात नहीं, जो लोग गए हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे, जो लोग नहीं गए हैं अगली बार जब भी जाओ जीवन में नोट करना, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अगर आप पहाड़ पे जाओ, माउंटेन में घूमने जाओ, तो वहां पे खाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है? मैगी। चलो सबको पता है मैगी, ठीक है। अब सोचो, अच्छा मैं ही बताया हूं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है तो बता देता हूं ना। और अब ये जो मैगी है हमारे घरों में कितनी देर पकती है? 2 मिनट। रुक सकते हैं सबके सब, रह सकते हैं, है ना, 2 मिनट में बनती है। भाई एक बार पानी बॉईल होना शुरू हो जाए उसके बाद 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। पानी को बॉईल करने में आपको जितना टाइम लगे, पानी बॉईल होना शुरू होने के बाद सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। पर अगर आप माउंटेन्स में जाके मैगी खाओ बनवाकर, तो वो आपको एक मैगी बनाने में आधा घंटा लगा देते हैं। क्यों? वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, वहां का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आप बोलोगे सर फिर तो पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा ना? हाँ पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा, इसलिए मैगी देर से पकेगी। पानी ठंडा है यार, 60 डिग्री सेल्सियस पानी मैगी पक रही है, अपने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मैगी पक रही है, बताइए कब किस केस में मैगी जल्दी पकेगी? 100 डिग्री पे या 60 डिग्री पे? 100 डिग्री जल्दी पकेगी, 60 डिग्री पे देर से पकेगी। इसलिए पहाड़ों पे मैगी या कोई भी खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। पहाड़ों पे खाना पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। वहीं एक और इसका एग्जांपल अगर हम देखें डेली लाइफ में, ध्यान दीजिएगा बेटा, डेली लाइफ में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वो है प्रेशर कुकर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे एग्जांपल हो गया, नाम ही है प्रेशर कुकर, क्या करता है ये? इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए इसके अंदर जब पानी बॉइल करते हो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होता, 120-130 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा पानी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेशर कुकर। 120-130 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी बॉइल हो रहा है, तो इसलिए खाने को वो जल्दी पका दे रहा है, आपका गैस की बचत हो रही है, समझ में ही बात। इसलिए कहते हैं खाने को प्रेशर कुकर में बनाइए, बिल बचाइए, दुनिया बचाइए, ठीक है। जो भी है तो इस तरीके से ध्यान दीजिए बेटा, इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट को वेरी कर सकता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा फैक्टर जो है जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है वो है इंप्यूरिटीज। नाउ इंप्यूरिटीज का मतलब, जब भी मैं इम्प्यूरिटीज लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड इम्प्यूरिटीज, समझ में आई बात, नमक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, अगर आप इन चीजों को पानी में मिक्स कर देते हो तो क्या होगा, या लिक्विड में मिक्स कर देते हो, सॉलिड इम्प्यूरिटीज को अगर आप लिक्विड में मिक्स कर देते हो तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इंक्रीजेस आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटीज को अगर आप इंक्रीज कर दो, दीजिएगा यहां पे इंप्यूरिटीज रखी हुई हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो, इसलिए आपको बॉइलिंग होगी। हालांकि यूं समझ लो इंप्यूरिटीज के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता तो है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेजर फैक्टर यहां पे क्या है? प्रेशर, ठीक है। मेजर फैक्टर यहां पे क्या है? प्रेशर। कॉपी करो, बच्चा लोग आगे बढ़े।
तो अगला क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे चीजें फ्रीज हो जाती है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या फिर 273.18 केल्विन। ठीक है, सोचो जरा अपना फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये टेम्परेचर है जिसपे, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड अपना स्टेट एक्सचेंज करते हैं। तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब सोचिए कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या क्या होंगे। तो इसमें पहला फैक्टर, इसमें भी क्या है, प्रेशर है। क्या है, प्रेशर। क्या होगा, अब इसमें दो केसेस बनते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। कुछ वो सब्सटेंस है जो कि लिक्विड स्टेट में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ज्यादातर, और कुछ सब्सटेंस जैसे कि पानी वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब सोचो जरा कि पिछले केस में हमारा, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी, तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था। क्यों बढ़ा था, उसके पीछे आप ऐसे भी सोच सकते हैं उसके बारे में कि सर जब हम चीजों को बॉइल कर रहे हैं वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो गैस में कन्वर्ट होगा तो वो एक्सपैंड होगा, अगर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया मतलब जो भी उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको धक्का लगा के उसे फैलना है। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा जोर से धक्का लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना। अगर सराउंडिंग में कोई धक्का लगाने के लिए है ही नहीं तो चीजें अपने आप ही बॉइल हो जाएंगी। सोचो जरा अगर आप पानी को, एक ग्लास पानी को लेकर स्पेस में चले गए, वैक्यूम में चले रख दिया, उसको बॉइल करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बॉइल होगा, वो अपने आप बॉइल होगा तुरंत। क्यों, सराउंडिंग में प्रेशर ही नहीं है, जो भी वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग को पुश करने के लिए काफी है, है ना, समझ में आई बात। तो तुरंत बॉइल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ठंडे में भी बॉइल हो जाएगा अगर सराउंडिंग में कोई प्रेशर नहीं होगा तो। ठीक है, खैर जो भी है, तो अगर हम फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, प्रेशर एक फैक्टर है। अब इसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट, दो तरीके के सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग और सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस। तो सोचिए जरा जो एक्सपैंड होगा उसको तो सराउंडिंग नहीं चाहेगा ना, प्रेशर नहीं चाहेगा ना कि वो मेल्ट हो, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एज प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ज्यादातर चीजों के साथ ऐसा होता है, ज्यादातर चीजें जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। पर अगर हम पानी के बारे में बात करें, अगर हम आइस के बारे में बात करें, तो ये मेल्ट होने पे जगह कम लेता है, इसलिए एज प्रेशर इंक्रीजेस इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है।
अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये 0 डिग्री की जगह उससे पहले ही -0.5 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पिछले केस में जो वॉल्यूम में चेंज था लिक्विड और गैस में वो बहुत बड़ा था, इसलिए वहां पे प्रेशर बहुत बड़ा फैक्टर था। पर यहां पर सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है क्या, इसलिए यहां पे प्रेशर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मतलब अगर मैं पानी के केस के बारे में बात करूं तो बाय चेंजिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय 1 atm आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने डिग्री से डिक्रीज होता है मालूम है, 0.07 डिग्री से। तो मतलब डिक्रीज तो हो रहा है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए प्रेशर एक फैक्टर तो है बहुत, पर बहुत छोटा फैक्टर है। इसको इफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है वो है इंप्योरिटीज। इसमें भी दोनों के फैक्टर्स सेम है पर यहां पर इंप्योरिटीज का असर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी में नमक मिलाऊं सही कंसंट्रेशन में तो आई कैन डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एज कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज इंक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर सही कंसंट्रेशन आप नमक का रखोगे पानी में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट को आप घटाकर -18 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए इंप्योरिटीज वाला केस यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो क्लास 12th में अनिल सर शायद कर सकते हैं, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है। मैं आपको अभी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंप्योरिटीज से फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फर्क पड़ रहा है, पर फर्क पड़ता है। तो अब आपको यह याद रखना पड़ेगा ना कि कैसे फर्क पड़ता है, किस डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल है और एक सीधा सा ट्रिक है। पहले सीधा सीधी सी बात समझ लो, जब इंप्योरिटीज हमने ऐड किया था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था और फ्रीजिंग पॉइंट घटा था, है ना। मतलब क्या है, आपके जो इंप्योरिटीज हैं वो क्या चाहती हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड स्टेट में ही रहे। इंप्योरिटीज ऐड किया उसने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया और फ्रीजिंग पॉइंट घटा दिया, ठीक है, समझ में आई बात। आपकी इंप्योरिटीज चाहती हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहे, ठीक है, कोई दिक्कत है, ओके। तो ये हो गया आपका इंप्योरिटीज वाला फेस, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है ना। प्रेशर हो गया, इंप्योरिटीज हो गई। हाँ, इसका दूसरा एक लाइफ एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ इसका एग्जाम्पल होगा मटका कुल्फी। कभी खाया आपने मटका कुल्फी? मटका कुल्फी वो नहीं होता जो आपको दुकानों पे मिलता है, मटका कुल्फी कभी दुकानों पे नहीं मिलती है। वो नाम भले ही रख सकते हैं मटका कुल्फी अपने प्रोडक्ट का, पर मटका कुल्फी आजकल तो मैंने बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है। पर जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे घर के बाहर रोज एक बंदा मटका लेके आता था जिसके अंदर से कुल्फी निकलती थी, तो हम उसको मटका कुल्फी कहते थे। अब पॉइंट ये है कि वो बंदा अपने घर से कुल्फी लेकर चला है, 3 घंटे तक उसको बेचा है गर्मी के मौसम में और वापस अपने घर चला गया है, तो 3 घंटे तक उसकी कुल्फी मेल्ट क्यों नहीं हुई? क्या वो मटके के अंदर फ्रीजर लेके घूम रहा है? नहीं, वो मटके के अंदर क्या लेके घूम रहा है? बर्फ। बर्फ भी नहीं होती उसके पास। वो मटके के अंदर अगर बर्फ के अंदर डाल के रखेगा तो उसको निकालने में टाइम लगेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। वो क्या करता है ना, वो एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है, एक सॉल्यूशन तैयार करता है जिसमें पानी में नमक मिला देता है वो, और उसको ठंडा करता है। ठंडा करके उसको -17 डिग्री तक लेके जाता है, अभी भी वो लिक्विड ही है। उसके अंदर आपकी कुल्फी को डाल देता है, अब कुल्फी मेल्ट होगी 0 डिग्री पे और पानी कितने टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, -70 डिग्री सेल्सियस पे।
और क्योंकि वो मटके के अंदर है, देर से ठंडा होगा। मटके के ऊपर वो लाल कलर का कपड़ा भी लगा देते हैं, पता नहीं लाल ही क्यों लगाते हैं, बस कपड़ा लगाना चाहिए लेकिन वो हमेशा लाल लगाते हैं, पर जो भी है वो शायद सुबह कुछ मानते हो, पता नहीं क्या करते हैं, जो भी है। तो जो भी है वो लाल कलर का कपड़ा भी लगाए थे जिससे कि और देर से टेम्परेचर बढ़े। तो इफेक्टिवली ये सब कुछ कर कुरा के वो आराम से 2 घंटे 3 घंटे तक आपकी कुल्फी को फ्रोजन रखता है बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। जो आप अभी पढ़ रहे हो उसको बचपन से पता है, ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े या कॉपी नहीं किया अभी तक? कॉपी कर लो फिर, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ध्यान दो, हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ये क्या है? छुपी हुई एनर्जी है। ये क्या होती है पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन वगैरह देख लेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन फेज। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, जो जो फेज चेंज हो रहा है उसमें जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, जब मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा। मतलब जो मैंने हीट सप्लाई करी है उस हीट ने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, है ना? इसीलिए कहते हैं वो हीट जो है टेम्परेचर से छुप गई है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब सोचो लेटेंट हीट जो है फिर 2 तरीके की होगी, एक वो जब सॉलिड से लिक्विड में जाए, एक वो जब लिक्विड से गैस में जाए। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं जो कि सॉलिड है, इसको अगर मैंने हीट सप्लाई की क्यू और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यही ऑब्जेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो क्यू है इसको क्या बोला जाएगा? लेटेंट हीट। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब ध्यान दो, टेक्निकल टर्म लेटेंट हीट का ये मीनिंग होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का जो मैं मीनिंग बताऊंगा वो होता है, पर जनरली हम लोग जब लेटेंट हीट बोलते हैं, सिर्फ लेटेंट हीट बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है कभी, तो ऐसे में क्या करना, हमेशा यूनिट चेक करना। लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी? सिंपली जूल या कैलरी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज पर यूनिट मास। समझ में आई बात? हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज पर यूनिट मास। अब अगर सिर्फ लेटेंट हीट बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो आप देखिए क्यू अपॉन एम इज इक्वल टू एल है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? क्यू इज इक्वल टू एम एल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, है ना? अब ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, ये भी 2 तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक फ्यूजन का और एक वेपराइजेशन का। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है? 80 किलो कैलरी पर केजी। एक्चुअली होता है 78 पॉइंट समथिंग, पर हम इसको नंबर्स क्या याद रखेंगे? 80 याद रखेंगे। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है? 540 किलो कैलरी पर केजी। ये नंबर अगर सही से देखोगे तो आएगा करीब करीब 536, बट हम क्या याद रखेंगे? 540। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है 80, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होता है 540 किलो कैलरी पर केजी। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, या ना? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये आपका लेटेंट हीट हो गया। तो अब लेटेंट हीट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। मान लेते हैं मेरे पास इनिशियली आइस है, सॉरी यहां -20 डिग्री सेल्सियस है, यहां आइस है, मेरे पास इनिशियली आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो आइस मेल्ट कर जाएगी, हाँ या ना? नहीं करेगी, पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू -0 डिग्री माइनस -20 डिग्री, तो +20 डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना? कोई दिक्कत है? ये Q1 लगेगा। ये स्पेसिफिक हीट वाटर का है क्या? नहीं, ये स्पेसिफिक हीट आइस का है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वैसे तो अगर क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़ी तो मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन को, पर अगर मेंशन ना करे और आपको लगे कि नहीं उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्टली 0.5 नहीं होती है, पर अगर जरूरत पड़े तो आप ये इसको, आप इसको इतना यूज कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, अब अगर मैं इसको और हीट देता हूं तो आइस और गर्म हो जाएगा। अब आइस 0 डिग्री पे पहुंच चुका है, आपने कभी देखा है आइस एट 50 डिग्री सेल्सियस? नहीं ना, गर्म आइस नहीं ना, तो क्या होगा, ये अब मेल्ट होगा। अगर आप और हीट दोगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा, ये मेल्ट हुआ है ना। मेल्ट होने में कितनी हीट लगेगी इसको, Q2 इज इक्वल टू m into L। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस डाल दूं तो 0.5 into 20 कितना हो जाएगा, 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 m किलो कैलोरी। लेकिन यहां पर L कितना है, 80 है, यहां पे कितना लगेगा, 80 m किलो कैलोरी। अब मैं क्या किया, अब मैंने इसको और हीट प्रोवाइड किया। अगर मैं इसको और हीट प्रोवाइड करूंगा तो हीटिंग कर्व कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे स्लोप ज्यादा था, यहां पे स्लोप कम रखा है मैंने, क्यों कम रखा है, क्यों कम रखा है मैंने यहां पे स्लोप, क्योंकि पानी है ये देर से गर्म होता है, इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। तो यहां पे आ जाएगा आपका Q3 इज इक्वल टू ms ΔT। कहां तक आई ये पानी, पानी रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा ये, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो Q3 कितना हो जाएगा, S तो 1 है, ΔT 100, तो दिस इज इक्वल टू 100 m। आप सोच रहे हैं अगर m 1 kg है तो यहां पे 10 किलो कैलोरी लगा, यहां पर 80 किलो कैलोरी लगा, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना खर्चा हो गया, 80 किलो कैलोरी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में। फिर वाटर को 100 डिग्री दिया तो उसमें तो पूरा 0 से 100 चला गया, समझ रहे हो बात को, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, 100 किलो कैलोरी एनर्जी दी तो उतने में तो पूरा 0 से 100 चला गया और 80 में सिर्फ 0 का 0 ही रहा। तो यहां पे बहुत सारी एनर्जी का खर्च हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको और हीट दिया, और हीट दिया तो क्या करेगा, ये वेपराइज करेगा, बॉइल होगा, तो पानी बॉइल हो रहा है, बॉइल होने में तो और ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, कितनी खर्च करेगा, यहां पर ml होगा, l कितना है 540, तो 540 m, मतलब समझ रहे हो, ये 100 m है, उसके मुकाबले 5 गुने से भी ज्यादा एनर्जी सिर्फ बॉइल करने में खर्च हो गई, ठीक है। फिर आपने इसको और हीट दी तो ये वेपर बन जाएगा, वेपर बनने का गैस में कन्वर्ट हो गया, उसकी अलग अलग कहानियां होती हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पर कभी आपको अगर वाटर वेपर का भी स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप उसको भी क्या ले लोगे, 0.5 ले लोगे, हालांकि वो सही नहीं है पर मजबूरी में ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हीटिंग कर्व ऑफ वाटर है, हीट के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इसमें, इसको कॉपी कर लें। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg आइस
एट -20 डिग्री सेल्सियस इंटू 2 kg स्टीम। 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को 2 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी ये बताना है, ठीक है। 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू 2 kg स्टीम। अब कई लोग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं यार कुछ लोग तो क्या करते हैं 2 kg आइस को सीधे गर्म कर देते हैं 100 डिग्री तक लेके जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आइस से डायरेक्टली किसी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे करते हैं। इसका सही तरीका क्या होगा, 2 kg आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हीट दोगे, ये गर्म होगा, कहां पहुंचेगा, 2 kg आइस एट 0 डिग्री, और हीट दोगे आइस मेल्ट होगी, क्या बनेगा, 2 kg वाटर एट 0 डिग्री, और हीट दोगे वाटर गर्म होगा, पानी गर्म होगा, कहां पहुंचेगा, 2 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और हीट दोगे तो बनेगा 2 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली पहले तो ये समझ लो रास्ता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोगों से ओरल भी बन सकता है, पर क्या रास्ता होगा, 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस से 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां से कन्वर्ट होगा 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आप और हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और हीट दोगे तो क्या बनेगा, 2 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहीं तक पहुंचना था। तो टोटल कितनी हीट लगेगी, 1, 2, 3, 4 है ना, तो चारों हीट निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा। यहां लगेगा Q1, यहां लगेगा Q2, यहां लगेगा Q3, यहां लगेगा Q4। तो Q1 कितना होगा, Q1 हो जाएगा, देखिए आइस को गर्म ही कर रहे हैं ना, तो ms delta t, मास कितना है 2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लगेगा ना, आइस को गर्म करे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लगेगा, कितना होता है, 0.5 बोला था अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। डेल्टा टी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर बढ़ाया आपने, 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 20 kcal। कोई दिक्कत है, Q2 निकालेंगे, जब आइस को हमने मेल्ट किया तो इसमें हीट लगा, कौन सा लगेगा, ml है ना, ml दैट इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 2 × 80, दैट इज इक्वल टू 160 kcal। फिर क्या करेंगे, पानी को गर्म किया उसके लिए हीट लगेगी, टेम्परेचर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ms delta theta, तो मास कितना है 2 × स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1 × delta theta, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक लेके गए, थीटा से हम लोग टेम्परेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो 0 से 100 डिग्री लेके गए, क्या बचा, कितना हो गया 100, दैट इज इक्वल टू 200 kcal, ठीक है, माइनस क्यों गया यार, गर्म कर रहे हो ना, इनिशियल माइनस फाइनल होता है। Q4 कितना हो जाएगा, अब हमने वाटर को क्या किया, वेपराइज किया, उसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, लेटेंट हीट लगेगा, कौन सा वाला, वेपराइजेशन वाला, तो क्या बोलेंगे इसको, मास 2 × लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, दैट इज इक्वल टू 1080 kcal। तो आप खुद बताइए टोटल हीट Q कितना हो जाएगा, समेशन QI सारी हीट्स का सम, दैट इज इक्वल टू 20 + 160 180 380 1460 kcal। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बहुत ही अच्छा आंसर देखने को मिल रहा है हमें, हमारे पास 2 kg आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने स्टीम में कन्वर्ट किया, हमें हीट कितनी लगी 1460 kcal। इस 1460 kcal में से 1080 तो खाली पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के थी, बाकी की तो बहुत ही कम थी इसके कंपैरिजन में,
ये बात थोड़ी नोट करने लायक है कि हाँ भैया ये वाला जो लेटेंट हीट है कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, कॉपी कर लें फटाफट। मेरे भाई प्लीज जैसे बता रहा हूं वैसे कॉपी करो, कुछ कारण है इसका। अगर आप एक एक स्टेप का अलग अलग लिख के कॉपी, मुझे मालूम है आप लोगों ने बचपन में खासतौर से आईसीएसई वाले बच्चों को ऐसे लिखना पसंद नहीं आएगा, क्यों, उन्होंने बचपन से लिखा की वन इक्वल इतना, की टू इक्वल इतना, की थ्री इक्वल इतना, दिमाग में गया सब कुछ, ऐसे फ्लो चार्ट नहीं बनाया। फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जाके फंस भी सकते हो, तो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, ठीक है। प्लीज फ्लो चार्ट बनाकर ही इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, खास तौर से तब जब फेस चेंज हो रहा हो। फ्लो चार्ट बनाए बिना अटेम्प्ट करोगे इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, जरा सा डिफिकल्ट आएगा फंस जाओगे। आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन है 900 किलो कैलोरी इज सप्लाइड टू 2 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। 2 किलो आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमने 900 किलो कैलोरी दे दी। पूछा क्या है कि क्या होगा जब हम इसको 900 किलो कैलोरी देंगे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आप इसको जब हीट दोगे तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, आया ना, आया ना, आइस पहले मेल्ट होगी, आइस 0 डिग्री पे है ना, आइस पहले मेल्ट होगा। तो आपने हीट दिया Q1, मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए, ML, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, कितना होता है 80, दैट इज इक्वल टू 160 किलो कैलोरी। हमारे पास है क्या, बहुत सारी है सर, 900 या तो सिर्फ 160 खर्च हुई, अभी तो बहुत बची है। तो इससे बना क्या, इससे बन गया 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब और हीट दोगे तो क्या होगा, पानी वेपराइज हो जाएगा, आया ना, पहले पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कहां तक बढ़ा सकते हो, 100 डिग्री तक, 100 डिग्री तक तो लेके जाने के लिए कितनी हीट लगेगी, ms डेल्टा थीटा मतलब 200 किलो कैलोरी है क्या हमारे पास, सर अभी तो बहुत पड़ी है सर, है ना। तो m 2 into s 1 into change in temperature is 100, that is equal to 200 किलो कैलोरी, ठीक है, क्या बन गया 2 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हीट दोगे तो क्या करेगा, हाँ अब हीट दोगे तो क्या होगा, वेपराइज होगा, 2 किलो पानी वेपराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 2 × 540 दैट इज 10 है क्या सर, टोटल तो 900 थी सर, तो पता नहीं सर, वेपराइज तो नहीं कर सकते, तो क्या करें, छोड़ के भाग जाए, नहीं, क्या करेंगे हम देखेंगे, ध्यान दो बेटा, इतनी हीट में जो हीट बची है, कितनी हीट बची है, 360 खर्चा हो गई, 540 बची है, इतनी हीट में पूरा का पूरा पानी तो वेपराइज नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसमें से कुछ पानी वेपराइज हो जाएगा, कितना पानी वेपराइज होगा, कैसे निकलेगा, Q3 is equal to ML, this implies Q3 कितना है, कितना हीट बचा है, 540 बचा हुआ है, is equal to M into latent heat of evaporation, कितना था 540 होता है, this implies M कितना हो गया, तो सिर्फ 1 kg वाटर ही वेपराइज हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 kg में से 1 किलो पानी वेपराइज हो गया, तो बचा कितना, 1 किलो पानी, और बाकी 1 किलो गायब हो गया क्या, नहीं, प्लस 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है, समझ में आई बात, टेम्परेचर भी आ गया और कंपोजिशन भी आ गया, कॉपी करें फटाफट। क्या करेंगे, देखो
हमें तो पता ही है, दो चीजों को मिक्स करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल लगाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। वो क्या कहता है, हीट गेन्ड बाय ऑल इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्या दिया गया, 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा लेट्स से फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू टी, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर टी है। तो अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, कैटेगरी वन, ये क्या करेंगे, अच्छा फाइनल टेम्परेचर अगर टी है तो कैटेगरी वन के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर एमएस 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30 डिग्री प्लस आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं सर 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू टी माइनस 0 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। ऐसे स्टूडेंट्स को चप्पल से पीटना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो गर्म आइस खा रहे हैं, है ना, 0 डिग्री से ज्यादा लेके चले गए आइस को, अलाउड है क्या ये? तो ये सरासर बेवकूफ लोग होते हैं, इनकी बात हम सुनेंगे ही नहीं। अगली कैटेगरी है कैटेगरी टू, वो कहते हैं अच्छा बात तो सर आपने एकदम सही कही, हम अभी भी करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कर ले, कैसे, सो 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 30, दिस इज हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय आइस, कितना हो जाएगा, पहले आइस मेल्ट होगा, 1 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ कौन सा, फ्यूजन, इससे सर आइस मेल्ट हो गया। अब आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं सर प्लस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, सॉरी अब तो वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 0 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 3 times स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी इज इक्वल टू 2 times स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 30 माइनस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1। दिस इंप्लाइज 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना 1 है इंटू टी इज इक्वल टू 60 माइनस 80। दिस इंप्लाइज टेम्परेचर टी इज इक्वल टू माइनस 20/3 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे यार सब कुछ सही किया पर सर एक गड़बड़ हो रही है, लेकिन क्या सर, पानी का टेम्परेचर निगेटिव कैसे हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है। क्या गलत है सर, हमने सब कुछ सही किया सर, सब कुछ किया, तो भैया अभी मैंने आपको सब कुछ सिखाया ही नहीं पहले, तो दूसरी बात ये कि यहां गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि आपने मान लिया कि आइस मेल्ट हो गया, जरूरी है आइस पूरा मेल्ट हो जाए, नहीं ना, जरूरी है क्या कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए, नहीं, तो आपने अपने मन से अज्यूम किया, इस क्वेश्चन में आइस मेल्ट हो ही नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती में अज्यूम किया कि आइस मेल्ट हो गया, तो आइस मेल्ट करने के लिए जितनी आपने जबरदस्ती डाल दी तो आपके पास एनर्जी कम पड़ गई, तो मैथ्स ने कहा अरे यार अगर ऐसा है ना तो टेम्परेचर को निगेटिव होना पड़ेगा। अब आप नहीं, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। Now, इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, अगर आंसर ऊट पटांग आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो बोलोगे अच्छा मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, उस हिसाब से दोबारा सॉल्व करो। मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये है ना मेरा कंपोजिशन इनिशियल। तो मैं बोलूंगा ये तो अपने को समझ ही नहीं आता कि अलग अलग टेम्परेचर पे चीजें पड़ी है, ये तो अपने को समझ ही नहीं आता, सबसे पहले तो मैं सबका टेम्परेचर एक कर देता हूं सर, उसके बाद ही मैं कुछ मेरे को बातें समझ में आती है कि क्या हो रहा है। सबका टेम्परेचर एक कैसे कर दोगे यार, आइस को मेल्ट कर दोगे क्या, नहीं सर, सबको 0 डिग्री पे लेके जाते हैं, तो सबको 0 डिग्री पे कैसे ले जाएंगे सर, यहां तो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको 0 डिग्री पे लेके गए और आइस को नहीं छेड़ा तो एनर्जी कहां जाएगी, कोई बात नहीं एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अपनी जेब में रख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखा Q1 कितना लगेगा, इसको 0 डिग्री, देखिए Q1 मुझे नहीं मालूम कितना है,
मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको पहुंचाना चाहता हूं 2 kg वाटर एट 0 degree Celsius प्लस 1 kg आइस एट 0 degree Celsius। आप बोलोगे सर 0 degree पे ही क्यों लेके आए, सबको 30 भी तो ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, पर मैं बिल्कुल नहीं हूं यार। इसको 0 degree पे लेके जाना है, इसको 30 degree पे लेके जाने के लिए पहले मेल्ट करो फिर लेके जाओ, फोकड़ी की कैलकुलेशन कौन करेगा, मैं तो नहीं करता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, अगर आइस है तो सबको 0 degree पे लेके जाता हूँ, स्टीम है तो सब कुछ 100 degree पे लेके जाता हूँ। आइस और स्टीम दोनों है तो क्या करेंगे, मैं 100 पे लेके जाऊंगा, क्यों, स्टीम में बहुत एनर्जी है 540, ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, पर जो भी है। और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद ही बता जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि हाँ भैया ये होने वाला है, ठीक है। मतलब मैं इतनी कैलकुलेशन करता नहीं, सिर्फ दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे दिमाग में आंसर सब पढ़ते ही आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आपके दिमाग में भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत आसान है, और ये इतने आसान क्वेश्चंस है कि एग्जाम से पूछना ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो देखो, अब 2 kg वाटर एट 0 degree Celsius प्लस 1 kg आइस एट 0 degree Celsius है, यहां पहुंचना है तो इसके लिए Q1 कितना लगेगा, इसको तो कोई चेंज किया नहीं, इसको चेंज किया एमएस डेल्टा थीटा 2 × 1 × डेल्टा थीटा 0 − 30 दैट इज इक्वल टू -60 kcal। -60 kcal का मतलब क्या, 60 kcal निकल गई, सर निकल के कहां गई, अभी मेरी जेब में है, ठीक है, अभी के लिए मेरी जेब में है। तो क्या सर आप उस एनर्जी को घर लेके जाओगे, बिल्कुल नहीं, मैं वो एनर्जी इसको वापस दूंगा, मैंने इस मिक्सचर से एनर्जी निकाली और इसी मिक्सचर को वापस दे दी, तो कहानी खत्म हो गई ना। अब सोचो मैं अगर ये 60 kcal इसको वापस दूंगा तो क्या होगा, पानी गर्म होगा कि आइस मेल्ट होगा, पता है ना सबको, तो दे दो वापस। आइस मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए था, 80 है, कितना 60, पूरा आइस मेल्ट होगा क्या, तो सिर्फ 60 दो, एम इज इक्वल टू 60/80 इज इक्वल टू 3/4 kg, तो मतलब क्या है 3/4 kg आइस मेल्ट, 3/4 kg आइस मेल्ट, मतलब 0.75 kg आइस मेल्ट। तो आइस मेल्ट होकर क्या बनेगा, दारू, हाँ क्या बनेगा, आइस मेल्ट होके पानी बनेगा ना, हाँ आइस मेल्ट होके बनाया क्या, पानी, पानी पहले से था क्या, हाँ, क्या इस पानी में और इस पानी में अंतर कर पाओगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कोई अंतर नहीं है, वो वाली बात है ना, छोड़ो ज्यादा नहीं बोलेंगे, पिक्चर में जाने पड़ेंगे, जो भी है। तो 2 kg वाटर पहले से था, यहां 3/4 kg वाटर और बन गया, तो क्या बना 2.8 kg वाटर 0 degree Celsius प्लस 1 kg में से 0.7 चला गया, 0.5 चला गया, बचा कितना, हाँ 0.25 kg आइस एट 0 degree Celsius, खत्म। इतना सा सवाल है, उधर ऊट पटांग तरीकों से करोगे तो आंसर आ नहीं रहे, कोई दिक्कत है इसमें, फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा है ना, आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ू, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 kg वाटर एट 70 degree Celsius इज पोर्ड ऑन 1 kg आइस एट 0 degree Celsius, मतलब पानी है 70 degree Celsius पे 2 kg और बर्फ है 0 degree Celsius पे 1 kg, दोनों का मिक्स कर दिया गया, हमें बताना है फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। सबसे पहले क्या करूंगा,
पानी 70 डिग्री पे, आइस 0 डिग्री पे, समझ में कुछ आ नहीं रहा, दोनों को बराबर टेम्परेचर पे लेके जाओ, कितने पे, 0 डिग्री पे लेके जाओ, तो मेरे को कहां पहुंचना है, 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में हीट कितना लगेगा, Q1 इज इक्वल टू, सिर्फ पानी का टेम्परेचर चेंज किया है, एमएस डेल्टा थीटा 2 × 1 × चेंज इन टेम्परेचर इज 0 − 70, दैट इज इक्वल टू −140 किलो कैलोरी। मतलब क्या हुआ, ये 140 किलो कैलोरी कहां गई, पॉकेट में है, ठीक है। अरे एडिशन में नहीं करते थे, कैरी ओवर जो करते थे, आप लोग कैरी ओवर बोलते थे, हम लोग हिंदी में क्या पता क्या बोलते थे, एक रहा हाथ में, ठीक है, तो यहां क्या है, इतना रहा पॉकेट में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये एनर्जी को वापस दोगे, किसको मिलेगी, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या आइस मेल्ट होगा, बताओ, आइस आइस मेल्ट करने के लिए पूरा खर्चा होगा क्या, कितना खर्चा होगा, 80। तो यहां लगा Q2 इज इक्वल टू ML, दैट इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी, इससे ये आइस मेल्ट हो गई, क्या बचा, 3 किलोग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप कोई ऐसा तो नहीं सोचते सर आइस कहां गया, सर आइस कहां गया, आइस कहां गया, अबे पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा वाली बात है, समझ में आई बात, दोनों का दोनों क्या है, पानी ही है, ठीक है। अब देखो अभी खत्म हो गई क्या बात, घपला करोगे क्या, 60 किलो कैलोरी लेके भागोगे, वो भी तो दोगे ना इसको, तो 60 किलो कैलोरी और दिया, Q3 इज इक्वल टू, ये 60 किलो कैलोरी से क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ms डेल्टा t, दिस इंप्लाइज 60 इज इक्वल टू मास कितना है, 3 × स्पेसिफिक हीट 1 × डेल्टा t, दिस इंप्लाइज टेम्परेचर t इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 kg वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में, फास्टर है, रिलायबल है, बेटर है। अब देखो बात समझो, अभी नए नए बच्चे हो, आराम से फ्लो चार्ट बना बना के सॉल्व करिए, जब आपने 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन कर लिए इसके, ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बन जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आप ओरल कर लोगे, ठीक है, समझ में आई बात, फ्लो चार्ट में लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में कम टाइम लग रहा है ना, तो लिखने वाला जो टाइम है वो बच जाएगा आपका, अगेन ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ूं, अगला सवाल, हाउ मच स्टीम इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg आइस, 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए कितना स्टीम रिक्वायर्ड है, कितने स्टीम, कम से कम कितना स्टीम चाहिए जिससे 1 kg आइस मेल्ट हो जाए, एंड इट इज अज्यूम्ड कि आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो आइस 1 kg और स्टीम कितना मान लेते हैं, mkg, है ना। आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, Q1 = ml = 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी चाहिए, कहां से मिलनी है, स्टीम से मिलनी है, स्टीम क्या है एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम से इतनी एनर्जी चाहिए, तो स्टीम से इतनी एनर्जी कैसे मिलेगी, स्टीम जब कंडेंस होगा तभी ना एनर्जी देगा, तो स्टीम कंडेंस हो गया mkg, स्टीम सॉरी क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, इसमें हीट कितना लगेगा, K2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, -ml, तो -540 m, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि, या ऐसा कर लो ना, निकल कितना निकला वो लिख सकते ना, फालतू क्यों दिमाग लगा रहे, माइनस का मतलब क्या बता रहा था, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कितना हीट खर्च हुआ, माइनस नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब कितना हीट निकाला है वो मेंशन कर रहा हूं,
तो क्या मैं लिख सकता हूं 540 m इज इक्वल टू 80? हाँ या ना, हाँ या ना? ना भैया, ये तो 100 डिग्री पे है ना, अभी तो इसमें और एनर्जी है, ये भी तो 0 डिग्री पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू m इंटू 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100 m। तो टोटल हीट जो यहां से निकली वो Q कितना हो जाएगा, 100 m प्लस 540 m मतलब 640 m। आप बोलोगे सर यहां माइनस 100 होना चाहिए था सर, भैया कितना निकला बोल रहा हूं ना, समझ में आई बात, कितना निकला बोल रहा हूं, 640 m। तो अब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जो एनर्जी यहां से निकली दैट शुड बी दिस एनर्जी, 640 m इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1/8 kg। तो कितना किलो आइस चाहिए था, 1/8 kg आइस चाहिए, सॉरी आइस नहीं स्टीम चाहिए टू मेल्ट 1 kg आइस। गलती यहीं पे होती है कि लोग यहीं लाके छोड़ देते हैं, पता नहीं इनके मिक्सचर में थोड़ा पानी 0 पे और थोड़ा पानी 100 डिग्री पे कैसे होता है, मेरे से तो नहीं होगा ऐसा, पर कुछ चीजों को थोड़ा कॉमन से लगा के सोच लिया कीजिए, और कुछ नहीं इसमें, चैप्टर एकदम लल्लू है, एक आखिरी एग्जांपल बचा है वो भी बिल्कुल ऐसा कैसा है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल क्या है, हाँ ये स्टीम नहीं है आइस है, हाउ मच आइस इज रिक्वायर्ड टू कंडेंस 1 kg स्टीम, समझ में आई बात, करेक्शन कर लो, हाउ मच आइस इज रिक्वायर्ड टू कंडेंस 1 kg स्टीम, क्या होगा आंसर, ये योगी ने कहा नहीं, कहानी तो सेम टू सेम है, क्या हुआ, स्टीम को कंडेंस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी निकलेगी जब स्टीम को कंडेंस करोगे, तो 540 किलो कैलोरी, 540 किलो कैलोरी कितने आइस को 0 डिग्री, कितने आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को कितना वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो यहां पे कितना लगेगा m इंटू 80, यहां कितना लगेगा m इंटू 1 इंटू 100, तो टोटल यहां पे q कितना हो गया 180 m। नाउ ये हीट जो है इसने एब्जॉर्ब किया है, मतलब 180 m इज इक्वल टू 540, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 3 kg, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। अब देखो मैंने सारे सारे क्वेश्चन सिर्फ आइस वाटर और स्टीम पे करा दिए, कोई दूसरा मटेरियल होगा तो बस उसका स्पेसिफिक हीट यूज करना होगा, उसका लेटेंट हीट यूज करना होगा, और कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात, कॉपी कर लो।